साथ ही हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान की ओर से कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। सुने बात करने के लिए कांग्रेस हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी मौजूद हैं। सर, आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कांग्रेस कैसे देखती है? कांग्रेस ही नहीं, आज सारा इंडिया और पूरे देश की जनता इस फैसले से बहुत स्वागत करती है, न्यायपालिका का धन्यवाद करती है कि उन्होंने इसमें न्याय दिया। जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से थी, वो न्याय हमें मिला, उसके लिए सभी धन्यवाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो नीचे जो ये फैसला हुआ है, ये इसमें ये फैसला उचित नहीं है, तो ये टिप्पणी भी साथ में की, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और उससे ये बात साबित हो गई कि नीचे कुछ ना कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये फंसाने के लिए राहुल गांधी को ये कार्य किया गया था। अब राहुल जी को अब यहाँ से उनको संसद सदस्यता जो है वो बहाल हो जाएगी और वो दोबारा से सारे मुद्दे रखेंगे, क्योंकि ये आँख की किरकिरी बने हुए थे मोदी सरकार के लिए, खुद मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी को सीधी चुनौती देने का काम राहुल जी ने किया, उनको पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया, चाहे वो चाइना का मामला था, चाहे वो राफेल का मामला था, चाहे अदानी से मामला था कि भाई अदानी को और आपके क्या संबंध है, 20,000 करोड़ जो काला धन लगा है वो किसका है किसका नहीं है, वो सीधे पूछा था कि भाई अदानी से आपके क्या रिश्ते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए थे कि अर्थव्यवस्था क्यों डह रही है, क्यों इस देश को जो ना कर्ज में डुबोया जा रहा है, क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी महंगाई का काम चल रहा है, जो बेरोजगारी की जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात थी, 16 करोड़ होने चाहिए थे, 16 करोड़ की जगह सारे इन्होंने अपने 9 साल में 73 लाख नौकरी दी है, तो ये अपना आप ही बेनकाब जो ये हो रहे हैं। राहुल जी ने सारे प्रश्न उठाए थे, तो राहुल जी उनके आँख के किरकिरी थे, तो इसलिए वो राहुल जी को फंसाने का ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था और कुछ नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जिस प्रकार से ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नू में हिंसा देखी गई है, सरकार की कार्यप्रणाली पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार या उनकी जो खुफिया एजेंसी थी वो इस पूरी घटना को जो है माप नहीं पाई? सरकार पूरी तरह से इस घटना में विफल हो गई और सरकार पर यह दोषारोपण हो रहा है कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित तो नहीं थी। कारण यह है कि खुद वहाँ के जो सांसद हैं, राव इंद्रजीत जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने सवाल उठाए कि भी जो ये यात्रा निकाली जा रही थी धार्मिक यात्रा में, बंदूक तलवार लाठी डंडे का क्या काम है? दूसरे जब ये यात्रा निकाली जा रही थी, उससे पहले 3 दिन से मौनू मानेसर का जो वीडियो चल रहा था, उसकी प्रतिक्रिया में कुछ मुसलमानों के लड़कों ने भी अपना वीडियो चलाई, दोनों ने भड़काने का काम किया। इधर जो बिट्टू बजरंगी, उसने कहा कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, माला तैयार रखो, तो इस तरह से जो भड़काऊ जो वीडियो जारी हुए, तो उससे लोगों में बहुत भारी इसका प्रतिक्रिया हुई और उसका देखा कि पुलिस की व्यवस्था थी नहीं। जो CID इंस्पेक्टर विश्वजीत, जिसकी ड्यूटी थी वहाँ, उसने सारी रिपोर्ट अपने विभाग को, CID विभाग को, अपने अधिकारियों को, SP वगैरह को, उनको सबको दे दी थी कि यहाँ पर झगड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए पूरी। तो पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, तो ये जांच का विषय है कि जब CID ने भी ये कहा है, और दूसरा कि जब आपको पता है कि भाई कि ये मोहम्मदन एरिया में यात्रा जा रही है और ये हथियारों से लैस होकर जा रही है, जो इस तरह के जो वायरल कर रहे हैं भड़काऊ चीज, तो उनको पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। पुलिस की व्यवस्था ना करके वो ऐसे ही छोड़ दिए, मरने के लिए, झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, तो ये तो सरकार सीधी उसके लिए दोषी है और सरकार को इसके पूरे मामले में इसकी जांच करानी चाहिए। और हमने मांग की है कि हाई कोर्ट के निगरानी में ये जांच हो, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये तो मुख्यमंत्री कितना अक्षम है,
तो मुख्यमंत्री जब सुरक्षा नहीं दे सकता, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, नहीं तो गवर्नर को उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। उनको एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपने सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनको क्या, उनको वो जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते, तो फिर उनको पद पर रहने का क्या अधिकार रह गया है। तो हमारे साथ ये थे खास बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं अरुण कौशल, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली।